हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में एक अच्छी कर प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं होती है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। कर सरकार के आय का एक प्रमुख साधन है। किसी राष्ट्र के द्वारा उस राष्ट्र के व्यक्तियों और संस्थाओं के द्वारा जो धन लिया जाता है उसे कर या टैक्स कहते हैं। इस प्रकार कर एक अनिवार्य शुल्क या अंशदान है जिसे सरकार देश के नागरिकों और संस्थाओं के द्वारा अनिवार्य रूप से लेती है। एक अच्छी कर प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं होती है उसे हम लोग देख लेते हैं। इसकी पहली विशेषता है, कर प्रणाली सरल एवं सुविधाजनक होनी चाहिए जिससे करदाता को कर का भुगतान करने में मानसिक कष्ट ना हो। नेक्स्ट है, एक अच्छी कर प्रणाली अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, एक अच्छी कर प्रणाली प्रगतिशील होनी चाहिए, अर्थात कर प्रणाली ऐसी हो जिसमें कर का भार धनी वर्ग पर अधिक और निर्धन वर्ग पर कम पड़े। नेक्स्ट है, एक अच्छी कर प्रणाली में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों का समावेश होता है। नेक्स्ट है, एक अच्छी कर प्रणाली में लोच का गुण पाया जाता है, अर्थात आवश्यकता अनुसार करों की मात्रा में वृद्धि या कमी की जा सके। नेक्स्ट है, एक अच्छी कर प्रणाली मितव्ययी होती है। नेक्स्ट है, एक अच्छी कर प्रणाली पूंजी निर्माण और बचत को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है, एक अच्छी कर प्रणाली आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, एक अच्छी कर प्रणाली में उत्पादकता का गुण होता है। नेक्स्ट है, एक अच्छी कर प्रणाली में करों का भार समाज पर कम पड़ता है। नेक्स्ट है, एक अच्छी कर प्रणाली में निश्चितता का गुण होता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में कर क्या है एवं अच्छी कर प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं होती है इसे देखा और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट है, एक अच्छी कर प्रणाली विलासिता एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को उत्साहित करता है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के वीडियो में एक अच्छी कर प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए इसे देखा और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।